मंत्री जी आज आप रिक्शा पे क्यों? अरे भाई वो 6 बजे के बाद गाड़ी अलाउ नहीं है तो गाड़ी की सवारी तो आज इसलिए आप पैदल की बजाय रिक्शा की बोलो कितने मुझे बताया बताया आपको नहीं बोलिए तो आज आप माल रोड बैरियर बंद रहता है इस वजह से आज आपने रिक्शा की। अगर हम ही लोग नेता लोग अगर कानून को नहीं मानेंगे तो पब्लिक में क्या संदेश जाएगा, क्योंकि 6 बजे के बाद रिक्शे वालों का भी कुछ भरा हो जाएगा क्योंकि गाड़ी बंद है। तो मैंने कहा कि मैं जो है रिक्शे में बैठकर जो है एक हमारा यहाँ पर दीप जलाने का कार्यक्रम है राज्य स्थापना दिवस की 21 वर्षगांठ पर, मैंने यहाँ पर आना था, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ रिक्शे में यहाँ पर आया हूँ। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कानून का नियमों का पालन करें, मसूरी हमारी है, मसूरी को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। अब सिर्फ शान दिखाने के लिए सेकी दिखाने के लिए गाड़ी लेकर आना उचित नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। माल रोड मसूरी की शान है और जो है यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, जैसे कि आप जो है पैदल आए तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इस तरीके से कॉपरेट करना चाहिए। सबको देखिए होता क्या है कि आज एक जरा सा व्यक्ति ग्राम प्रधान बन जाता है, वार्ड मेंबर बन जाता है तो जमीन छोड़ देता है, इसलिए हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और मैं तो जमीन की कोशिश करता हूँ, पिछले भी एक कार्यक्रम में आया था इसलिए पैदल आया, और से भी अनुरोध करता हूँ कि कायदे कानून नियम जो है सबके लिए।